दोस्तों जनरली कोई फ्लावर की डिजाइन बनाने के लिए काफी मेहनत लेनी पड़ती है। एक एक पेटल बना बना कर फ्लावर बनाते हैं हम, पर अगर आपको ऐसे फ्लावर्स इजीली बनाने हैं तो रशियन नोजल आपके लिए है। इनका यूज करके बहुत ही इजीली क्यूट क्यूट से फ्लावर्स बनाकर आप आपका केक डेकोरेट कर सकते हो। ये देखिए 6 रशियन नोजल का एक सेट है मेरे पास। आज मैं आपको इन्हें व्हीप क्रीम के साथ यूज करके बताऊंगी। तो एक ही वीडियो में इतने सारे नोजल की डिजाइन, वो भी सारे टिप्स के साथ, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये स्टार व्हीप की व्हीपिंग क्रीम ली है। यूज करने से कुछ घंटे पहले मैंने इसे डीप फ्रीजर से निकाल कर फ्रिज में रखा था। तो वैसे तो ये बिल्कुल चिल्ड है, पर आप देख सकते हो लिक्विड स्टेट में है ये। तो व्हीपिंग क्रीम ठंडी होनी चाहिए, पर ऐसे लिक्विड होनी चाहिए। अब एक कप ठंडी ठंडी व्हीपिंग क्रीम को पहले लो मीडियम स्पीड पर 1-2 मिनट व्हीप करेंगे। ये देखिए 7 स्पीड की मशीन है मेरी, इसे मैंने स्पीड 2 पर रखा है। थोड़ा सा व्हीप करने के बाद जब क्रीम हल्की सी गाढ़ी हो जाए तब व्हीपिंग का स्पीड बढ़ाकर हाई कर देना, और हाई स्पीड पर तब तक व्हीप करना जब तक क्रीम अच्छे से स्टिफ ना हो जाए। दोस्तों मेरी क्रीम भी बस 5-7 मिनट में ही अच्छे से स्टिफ हुई है। अब मैं पहले इनमें से थोड़ी थोड़ी व्हीपिंग क्रीम अलग अलग बाउल में निकाल कर लूंगी। फ्लावर्स बनाने के लिए कुछ कलर्स चाहिए हमें, तो ये देखिए ये कुछ कलर्स है मेरे पास। व्हीप क्रीम के लिए हमेशा जेल कलर्स का ही यूज करना दोस्तों। लिक्विड कलर से क्रीम पतली हो सकती है और पाउडर कलर से क्रीम में उतना अच्छा डार्क कलर नहीं आ पाता। अगर ज़्यादा कलर यूज़ करो तो क्रीम की टेस्ट खराब हो सकती है, इसीलिए जेल कलर्स ही प्रेफरेबल है, यही यूज़ करना। पर यूज़ करने से पहले इन्हें अच्छे से शेक ज़रूर करना, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर्पल कलर में से 2 ड्रॉप्स एक बाउल में डाल देंगे और व्हीप क्रीम के साथ इसे अच्छे से मिलाएंगे। आप देख सकते हो ये पर्पल कलर की क्रीम कितनी सुंदर लग रही है। तो इसी तरीके से व्हीप क्रीम में ये थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर डालकर ये बनी अपनी ब्लू व्हीप क्रीम। ये येलो भी देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और अब ये रेड। रेड कलर का एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जितना भी कलर इसमें डालो एग्जैक्ट रेड नहीं बन पाता। तो उसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपको फ्लावर्स बनाते समय बताऊंगी। अब ये कलर देखना दोस्तों, ये बर्गंडी कलर आजकल मेरा फेवरेट हुआ है। इससे मैंने आपको एक डॉल केक भी डेकोरेट करके दिखाया था, बहुत ही सुंदर था, आप वो भी एक बार जरूर देख लेना। थोड़ा सा पिंकिश, थोड़ा सा रेडिश, ऐसा कलर है ये। और अब इस बाउल में मैंने 2-3 ड्रॉप्स येलो और 1 ड्रॉप रेड कलर डालकर ये बनाया है ऑरेंज कलर। तो देखिए दोस्तों इतने सारे कलर्स बनाए हैं हमने। चलिए अब एक एक नोजल भी देख लेते हैं। ये पहला नोजल लिया है मैंने। दोस्तों इस रशियन नोजल को अगर आप ध्यान से देखो ना, इनके टॉप और बॉटम के सर्कल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए पाइपिंग बैग को आप बिल्कुल ध्यान से जरूरत के हिसाब से ही कट करना। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा आप इसे कट करोगे तो नोजल बाहर निकाल कर आपका बैग वेस्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से कट करूंगी मैं इसे। ये देखिए इस तरीके से नोजल को फिक्स करने के बाद अब मुझे इसमें भरनी है रेड कलर की क्रीम। पर क्योंकि क्रीम उतनी अच्छी डार्क नहीं बन पाती, इसलिए हम क्या करेंगे ना, डायरेक्टली पाइपिंग बैग के अंदर थोड़े से रेड कलर के ड्रॉप्स डालकर इन्हें बैग में इस तरीके से अच्छे से फैलाएंगे। और अब हम इसमें अपनी क्रीम डालेंगे। दोस्तों मुझे रेड कलर के फ्लावर के बीच का पोर्शन येलो चाहिए, तो मैंने सेंटर में पहले येलो कलर की क्रीम डाली है। अब पाइपिंग बैग के साइड साइड से हम रेड कलर की क्रीम भरेंगे। तो ये देखिए चम्मच से या स्पैचुला से, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप इसमें रेड कलर की क्रीम भर देना। स्टार्टिंग में थोड़ी सी येलो क्रीम निकली है, इसे हटा देना और पहले प्लेट में देखते हैं। वाह, एक सेकेंड में कितना सुंदर फ्लावर बना है। तो इतने सारे पेटल्स एक ही बार में बने हैं, और वो भी शेडिंग में, और क्या चाहिए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये फ्लावर्स। और अब आप देख सकते हो येलो कलर सेंटर में बहुत अच्छे से दिखने लगा है। इस फ्लावर की जो साइड पेटल्स थी वो नोजल के साथ ऊपर निकल आई है। पहले तो इसे अच्छे से क्लीन करके यूज करना। और एक चीज याद रखना, जब भी आप रशियन नोजल से कोई फ्लावर बनाओ तो क्रीम बेस में या प्लेट में अच्छे से टच होनी चाहिए, तभी फ्लावर की सारी पेटल्स नीचे टच होगी और ऊपर नोजल के साथ निकल कर नहीं आएगी।
चलिए अब कपकेक पर यही डेकोरेशन करके देखते हैं। तो नोजल को टच करके हल्का सा प्रेस करके धीरे से उठाना इसे और देखिए ब्यूटीफुल। अब बाकी के सारे फ्लावर्स ऐसे ही बनाएंगे, हल्का सा प्रेस करना, धीरे से उठाना। दोस्तों ऐसे ही हर एक नोजल से अलग अलग फ्लावर बनेंगे, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए सारे नोजल की डिज़ाइन ज़रूर देखना दोस्तों। तो चलिए अब इसे साइड में रखकर और एक चीज़ देखना, अगर आपकी क्रीम पतली है तो कुछ ऐसा होगा। ये देखिए ये वाला नोजल मैं यूज़ कर रही हूँ पर पेटल्स नहीं बन रही है, क्रीम पतली होने के कारण सारी पेटल्स एक साथ मिलकर कुछ ऐसे हो रहा है। इसीलिए रशियन नोजल से डिज़ाइन करने के लिए क्रीम अच्छे से स्टिफ होना बहुत ज़रूरी है। क्रीम अगर अच्छे से स्टिफ है तो ये देखिए कितना अच्छा फ्लावर बना है, सारी पेटल्स बहुत ही अच्छे से बनी है। देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना ये कपकेक। तो अब तक हमने जो नोजल देखे हैं उन दोनों में बस यही फर्क है, एक में पेटल्स थोड़े ज्यादा है और एक में थोड़े कम है, पर ये दोनों ही नोजल्स बहुत ही सुंदर है। अगर आप रशियन नोजल परचेस करना चाहते हो तो इन दोनों में से कम एक नोजल आप जरूर खरीदना। अब फिर से एक शेडिंग वाला फ्लावर बनाएंगे हम। उसके लिए पहली बात, पाइपिंग बैग में क्रीम भरने के लिए ग्लास थोड़ा सा ऊंचा लेना ताकि बैग इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट रहे। इसमें इस तरीके से नोजल दिखेगा आपको तो सेंटर की क्रीम अच्छे से भर पाएंगे। अब हम क्या करेंगे ना, पहले इस तरीके से साइड साइड से क्रीम लगाकर अब स्पून को उल्टा पकड़कर सेंटर का पोर्शन और क्लियर करेंगे और स्पून या पाइपिंग बैग के हेल्प से सेंटर में लाइट येलो कलर डाल देना। मेरे वीडियो में वो पार्ट मिस हुआ है पर आपको डिज़ाइन में दिखेगा। स्टार्टिंग के कुछ फ्लावर्स में शेडिंग नहीं दिख रहा है बट आगे आगे आपको शेडिंग दिखने लगेगा। ये देखिए ये है परफेक्ट। तो अब हम इसे अपने कपकेक पर भी ट्राई करते हैं। अमेजिंग। ये नोजल पहले तो नोजल से अलग है क्योंकि पहले के नोजल में बस अंदर से बाहर तक सारी पेटल्स ही थी, पर इसके सेंटर में आपको फ्लावर के फिलामेंट जैसे थ्रेड की डिजाइन मिली है। अच्छा है ना। अब ये नोजल देखिए बिल्कुल अलग है डिजाइन इसकी। इसे भी हम दो कलर्स में बनाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे फ्लावर्स आप सिंगल कलर में भी बना सकते हो पर फिर वो मजा नहीं आएगा, सेंटर का पार्ट अलग से डिफरेंशिएट होगा तभी इसकी डिज़ाइन दिखने में ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसके भी सेंटर में मैंने येलो कलर डाला है। चलिए अब देखते हैं इस नोजल का कमाल। ये देखिए है ना बिल्कुल नई डिज़ाइन। चलिए इन्हें कपकेक पर भी ट्राई करते हैं। ब्यूटीफुल। एक्चुअली मैंने क्रीम को काफ़ी समय से पाइपिंग बैग में भर कर रखा था इसीलिए फ्लावर में आपको थोड़ा सा कम स्मूथनेस लग रहा होगा, पर अगर आप क्रीम को तुरंत यूज़ करो तो आपके फ्लावर्स और भी स्मूथ, शाइनी और अट्रैक्टिव लगेंगे। तो ये वाला नोजल मुझे काफ़ी यूनिक और ब्यूटीफुल लगा। अब नेक्स्ट फ्लावर डिज़ाइन के लिए मैंने ऑरेंज और येलो कलर का कॉम्बिनेशन किया है। ये देखिए इससे भी फ्लावर के सेंटर में वो फिलामेंट वाला डिज़ाइन आएगा। ये भी सुंदर है पर इसके जो पेटल्स है थोड़े से बिखरे हुए हैं, एकदम पास पास नहीं है। ये देखिए कुछ पत्ते इसमें बनाने के बाद ऐसे दिखेगा ये। तो अभी के लिए इसे साइड में रख देना और देखते हैं अपना लास्ट नोजल। टोटली डिफरेंट डिज़ाइन है इसका, इसे देखकर ऐसे लग रहा है बड़े बड़े पेटल्स बनेंगे। तो मैंने इसमें ये बरगंडी कलर डाला है। चलिए देखते हैं क्या होता है। पेटल्स तो नहीं पर मुझे ये डिज़ाइन कैक्टस जैसा लग रहा है। तो चलिए ग्रीन कलर से भी ट्राई करते हैं। डार्क कलर के लिए मैंने यहाँ पर वो रेड कलर वाला सेम ट्रिक यूज़ किया है दोस्तों। पाइपिंग बैग के अंदर डार्क फॉरेस्ट ग्रीन कलर लगाकर फिर उसमें ब्राइट ग्रीन कलर की क्रीम डाली है। लग रहा है ना कैक्टस जैसा। तो ये देखिए दोस्तों इतने सारे फ्लावर्स हमने रशियन नोजल से बनाए हैं। ऐसे भी ये सुंदर लग रहे हैं पर इन फ्लावर्स के साथ कुछ ग्रीन लीव्स इनकी शान बढ़ा देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक पाइपिंग बैग में इस तरीके से वी कट लगाकर इसमें क्रीम कलर की क्रीम भर देना। और इसे इस तरीके से पकड़कर एक एक पत्ता बनाते जाना। येलो के साथ ग्रीन बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा कलर और कौन सा नोजल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा
ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना, साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।